मेरे को ट्राइपॉड बनाकर खड़ा कर देती हो, पूछते रहती हो। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। क्योंकि अभी नहा के आई हूँ ना, तो बहुत ठंड लग रही है। मैं सोची धूप में बैठूँ और बैठ करके चाय पीऊँ थोड़ा सा, और आप सब लोग से बातें करूँ। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इधर से धूप एकदम फेस में पड़ रही है ना, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पास पी लेती हूँ चाय, सुबह वाली चाय। और सुबह का जितना काम होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी करना है, तो वो सब मैं निपटा के नहा के कपड़े वगैरह धुल करके अभी फ्री हो रही हूँ। तो चाय लेके बैठी हूँ। और कर्ज के पापा को तो सुबह चाय दी थी, जब उठी थी बनाई थी तभी, तो वो अपना चाय पी चुके हैं। और बच्चे अभी सो रहे थे, अभी जस्ट वो लोग उठे हैं। तो जा रही हूँ चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं बिस्तर मोड़ूंगी। और आज अपना कपड़ा धुली हूँ मैं, ये वाली साड़ी सूट, और उधर भी साड़ी डाली हूँ। तो मैं पी लेती हूँ चाय। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और जिसको अच्छे ना लगे उसको मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं। उसको भी यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे तक लेके जाएं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। आप सब लोग साथ दोगे, सहयोग दोगे, तभी मैं आगे जा पाऊंगा, सॉरी जा पाऊंगी, तभी मैं आगे जा पाऊंगी। क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना मुझे कुछ कर पाना नामुमकिन है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। और तो आप सब लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने। ये देखिए चाय, सुबह की चाय, और मैं बैठी हूँ धूप में। तो पहले आप लोग पीजिए मेरी तरफ से, मेरे हाथों से गर्मा गर्म चाय, फिर मैं पीऊँगी। और सुबह वाले जितने भी काम थे वो सब काम मैं ख़त्म करके अभी आई हूँ बिस्तर को ठीक करने। और ये वाला काम ना सबसे ज़्यादा मतलब कंझट लगता है मेरे को, क्योंकि कंझट इसलिए लगता है, हर काम का एक समय होता है, तो अपने अपने समय में ही ठीक लगता है। और ये सुबह जैसे ही बिस्तर से उठो तो बिस्तर झड़ा लो, ठीक कर लो, चादर मोड़ के रख दो, तो ये ठीक लगता है। और अगर दूसरे काम करने लग जाओगे ना तो मन इधर उधर हो जाता है, ध्यान पूरा भटक जाता है, फिर उस काम को छोड़ के ये वाला करो तो ज़्यादा कंझट लगता है। तो तुरंत तुरंत लगे हाँ सब काम करते रहो ना तो ठीक रहता है। और बच्चे हैं तो लेट से सो के उठते हैं, तो ये काम और ये भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बिस्तर सही रहता है तो सब चीज़ मतलब अच्छा लगता है रूम वगैरह। और बिखरा बिखरा रहता है तो मन अच्छा नहीं लगता है। और अभी मेरे को बनाना है नाश्ता, मैं नहा वहाँ के फ्री हो गई हूँ, तो अभी बना लूँगी नाश्ता जा कर के। बच्चे उधर नहा रहे हैं।
और सब लोगों के लिए नाश्ता बना करके हमने खा लिए और जा रही हूँ चावल साफ करने। और इधर उत्कर्ष हंस रहा है। और ठंडी में तो धूप ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं फिर आ गई हूँ अपनी वही जगह पे जहाँ धूप है। मैं यहीं बैठ के चावल साफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा लेके आई हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ जाके। और खाना वाना सब कंप्लीट खा पी के ये सब लेके चलती हूँ छत में, क्योंकि जो गेहूँ डाली थी उस दिन उसको साफ करूँगी, उसको भेजना है पिसाने के लिए। एक गेट बंद कर दो। हाँ अब चलते हैं दीदी के घर, आज दिखा दूं वीडियो में क्या क्या बना रही हो। हाँ ये देखिए दीदी अभी बना रही है खाना, दाल चावल सब्जी, सब्जी फ्राई हो रही है ना, दाल फ्राई, अच्छा दाल दाल में तड़का लगा रही है। सब्जी इधर बनी है गोभी मटर आलू। चलो छत में दीदी, हाँ छत में चलो जा रहे हैं, गेहूँ साफ कर दूँ। हाँ हाँ आइए बना। तो चलो हम चलते हैं छत में, गेहूँ साफ करना है। लग दिया, मेरे साथ ये भी आ रहे हैं। बूढ़ा बंगारो, धूप बहुत तेज है। निकाल मम्मी उस बूढ़े बंगारो को। किसको? अरे वीडियो में दिखा बोल रहा हूँ, इसमें हाय कर हाय। दिख नहीं रहा है। और इधर मैं कर लेती हूँ गेहूँ साफ, क्योंकि आटा बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। और मौसम सही नहीं था इसलिए इसको धुल के नहीं डाली थी, अब जाके धूप निकली है तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। और जो आटा खरीद के लाए थे ना वो भी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसको अभी साफ करके दे दूँगी बच्चों को, तो लेके इसको चले जाएँगे। यहीं पास में है आटा चक्की तो वहाँ ले जाएँगे, और ये दोनों भाई पिसा के इसको ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह डेली सुबह के नाश्ता में सब्जी रोटी ही ज़्यादातर बनाती हूँ मैं, और बाहर का इधर उधर बहुत कम। जैसे संडे है अचानक, मतलब हफ्ता में एक आध बार कुछ बनता है बाहर का, बाकी तो सब्जी रोटी ही डेली की बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसका काम निपटा रही हूँ और इसको अभी दे दूँगी मैं साफ करने के बाद से, तो लेके चले जाएंगे ये दोनों। यहीं पास खेल रहे हैं दोनों। कितना अभी साइकिल चलाए, कितना दूर साइकिल चलाने गया था आज? हाँ अभी अभी हाँ? अभी तो ये वहाँ से वहाँ तक गया था बस, सवेरा टाइम आज ही गया था उधर हमारे पुराने घर साइड गया था, तो गेहूँ मैं साफ कर चुकी हूँ और अभी इसको भेज दूंगी बच्चों के हाथ में पिसाने के लिए। हाँ, जल्दी दूँ हो तो गया, ये भी साफ हो गया, ले लेंगे। हाँ तो है, सही है, शाम हो जाएगा तो ठंड लगेगी। 3 बज गए, 3:30 हो गया। हाँ मैं देखो तो 3 बजे झाड़ू था, कहाँ गया यार? थोड़ा सा यहाँ को झाड़ना था। हाँ
बाथरूम में तो नहीं है। मेरे को ट्राइपॉड बनाकर खड़ा कर देती हो, पूछते रहती हो। कैमरा सामने नहीं आते, कम से कम पीछे ही सही। कुछ तो मिल रहा है करने को। चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ सही। निकाल के लाओ तो बिस्तर में रखो, फिर जो काम करना है करो, उसके बाद जाके कपड़ा मोड़ो। कपड़ा निकालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दूध चढ़ा के गई थी और उसके लिए मैं मेरे कैमरामैन के लिए ट्राइपॉड के लिए मैं दूध लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो चाय भी नहीं पीऊंगा बोल रहे हैं, तो उसको मैं देती हूँ दूध और मैं अपने लिए बनाऊंगी उधर शाम वाली चाय। अपने लिए चाय चढ़ा के आई हूँ और यहाँ पास मैं कपड़ा मोड़ रही हूँ, क्योंकि तुरंत काम कर लो तो ठीक रहता है, फिर ऐसे ही रखाया रहता है। और इधर अभी कुर्सी में बहुत सारा कपड़ा रखाया है जिसको मेरे को प्रेस करना है, तो कब से सोच रही हूँ आज करूँगी कल करूँगी, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा इधर उधर का काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं लग रहा है कि कपड़ा प्रेस करके रखूँ, तो अभी इसको ऐसे ही मोड़ के रख देती हूँ, जिस दिन प्रेस करना रहेगा उस दिन अभी प्रेस का नंबर लगाऊंगी। तो अब ये सब करने के बाद अभी खाना बनाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अभी शाम हो गया है सब काम करते करते, तो यहाँ पास इसको मैं मोड़ के रख देती हूँ। और इधर चाय मेरी बन गई है तो मैं आ गई हूँ चाय लेने अपने लिए। और चाय वैसे पीना नहीं चाहिए, पर पता नहीं मेरी ये गंदी आदत हो गई है, चाय के बगैर मैं रह ही नहीं पाती हूँ, सुबह शाम डेली की आदत है, तो ये गंदी आदत कब जाएगी इसका कोई पता नहीं है। और चाय पीने के बाद फिर मैं संध्या करने लग गई हूँ, इसके बाद मेरे को बनाना है खाना शाम के लिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मैं मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, खूब ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट आप सभी को।